और जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कमी पाई जाएगी तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक बार फिर पटना के सेल्टर होम में हुआ बड़ा कांड। जी हां, पटना के सेल्टर होम में फूड पॉइजनिंग से 3 लड़कियों की मौत से हड़कंप मच गया है। इसके अलावा 12 और लड़कियां बीमार हैं और सबसे बड़ी बात है कि घटना के 5 दिन तक इस बात की भनक थाने को भी नहीं लगी। ऐसे में फिर एक बार पटना के सेल्टर होम और सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का स्पेशल शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार की राजधानी पटना के एक सेल्टर होम में रहने वाली 3 बच्चियों की कथित तौर पर फूड पॉइजनिंग से मौत होने पर पूरे पटना में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि शहर के पटेल नगर स्थित आसरा गृह में 7 नवंबर को खाना खाने के बाद 13 बच्चियां एक साथ बीमार हो गई। इनमें से 2 बच्चियों ने पहले ही दम तोड़ दिया। वहीं बुधवार की शाम 12 साल की एक और बच्ची की पीएमसीएच के शिशु इमरजेंसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। और अब जब इस मामले को लेकर काफी बवाल मचा और इस मामले ने तूल पकड़ लिया तो पटना के डीएम चंद्रशेखर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दे दिया है। एडीएम स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी गठित कर विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बार बार बिहार की सेल्टर होम में इस तरह की घटनाएं क्यों होती है? सेल्टर होम जैसे संस्थानों में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? बाकी जिलों की तो छोड़ दीजिए, सरकार की नाक के नीचे पटना के सेल्टर होम में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी थाने को इस बात की जानकारी क्यों नहीं रहती? इस घटना की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सेल्टर होम में रहने वाली 2 लड़कियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आसरा गृह में बनने वाली खिचड़ी खाने के बाद लड़कियों की मौत हो गई थी। वहीं खिचड़ी खाने से घायल हुई बाकी जो बची हुई लड़कियां हैं उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। बता दें कि घटना के बाद विभागीय स्तर पर जांच के आदेश दिए गए हैं। लड़कियों ने भी बताया है कि खिचड़ी खाने के बाद से ही उनकी तबीयत जो है खराब होने लगी और उल्टी भी होने लगी। इसके बाद कई लड़कियां बेहोश हो गईं। लड़कियों का प्राथमिक उपचार भी कराया गया लेकिन हालत में सुधार नहीं हुई। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अभी भी सेल्टर होम में 44 लड़कियां हैं। इस घटना के बारे में अधिकारियों ने विभाग को भी सूचित नहीं किया था। इधर बुधवार को यह खबर सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर काफी हड़कंप मच गया। इस आश्रय गृह का संचालन राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से किया जाता है। लड़कियों के देख रेख के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा 4 काउंसलर भी रखे गए हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वही घटना के बाद बाल अधिकार संरक्षक आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप ने बताया कि पूरा मामला संज्ञान में आ गया है। उन्होंने कहा है कि घटना दुखद है, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शास्त्री नगर के आश्रय गृह में खिचड़ी खाने के दौरान एक महिला और 2 बच्चों की मौत पर पटना के जिलाधिकारी का भी अब बयान आ गया है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि हाई लेवल जांच चल रही है, गुरुवार शाम तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद जो जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर यह लापरवाही का मामला है या फूड पॉइजनिंग किस तरह से हुई इसकी पूरी जाँच कराई जाएगी। कई अधिकारियों को लगाया गया है, FSL की टीम भी जांच कर रही है। अधिकारी ने कहा कि इस मामले में प्रारंभिक तौर पर लापरवाही और साफ सफाई का मामला सामने आया है। रिपोर्ट आने के बाद कठोर कार्रवाई होगी और लोगों को चिन्हित किया जाएगा। तो एक बार आपको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जिलाधिकारी। घटना हुई और फूड पॉइजनिंग के कारण जो है लगभग 13 महिलाएं और बच्चियां कुल मिलाकर के 13 लोग जो है बीमार हो गई। उनको PMCH में भर्ती कराया गया और उसमें से एक मृत्यु हो गई थी 7 तारीख को ही पहले दिन ही, और एक 10 तारीख को हुई है रात में, और एक कल मृत्यु हो गई है, दुखद मृत्यु हुई है बच्ची की 12 साल की थी। तो ये फूड पॉइजनिंग ही प्रथम दृष्टया हम लोगों को लग रहा है और इसको हम लोगों ने जांच टीम में गठित किया है 5 सदस्य। उसने खाने का भी सैंपल लिया है, पानी का सैंपल लिया है और विस्तृत जाँच लोग कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि आज रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें हम लोग देखेंगे कि कहीं से कोई लापरवाही किसी की है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति नियंत्रण में है, बाकी सब महिलाएं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ
स्वस्थ हैं और जो बीमार हुई थी 13 लोग उसमें से भी बाकी सब ठीक हैं और कुछ डिस्चार्ज भी हो गई हैं वहाँ से। हम लोग स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कमी पाई जाएगी तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया ये फूड प्वाइजनिंग और साफ़ सफाई की कमी और एक तरह से लापरवाही का मामला ये बनता है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है हम लोग उसमें नियमानुसार गुणवत्ता की बात होगी, आज से भी जो खाना परोसा जाएगा तो उसमें गुणवत्ता की बात नहीं, गुणवत्ता की जांच जो है वो की जा रही है और काफ़ी दिनों से वहाँ पर सब लोग रहे गृह का संचालन काफ़ी दिनों से हो रहा है और ये घटना जो हुई है दुखद हुई है। इसमें हमको लगता है कि कुछ खाने पीने का सामान या पानी वगैरह का कुछ प्रदूषण की स्थिति है तो उसको हम लोग देख रहे हैं। उसका टेस्ट के लिए भी हम लोगों ने भेजा है, सैंपल भेजा है और जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है तो उसको हम लोग आगे अग्रतर कार्रवाई करेंगे। लोगों के सर मौत की है, अभी 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 महिलाओं की। उसमें एक महिला है 24 साल की थी और एक बच्ची है 6 साल की और एक बच्ची है 12 साल की, इसकी कल मृत्यु हुई है। 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, बाकी सभी अभी जो 13 लोग बीमार थे उसमें बाकी लोग खतरे से बाहर हैं और हमको लगता है कि आज डिस्चार्ज भी हो जाएंगे PMCS से। ये 7 तारीख की घटना है, छठ के दिन की घटना है। और पैकेट बाहर से आता है या खाना वहीं बनाता है? नहीं, खाना बनता है वहाँ, सब सामग्री खरीद करके आती है और खाना वहाँ पर बनता है, रसोईया हैं बाकी लोग हैं तो खाना वहीं पर बनता है और उसकी सभी चीज़ों की जाँच हम लोग कर रहे हैं। और प्रथम दृष्टया यही कि अस्वच्छता और एक तरह से लापरवाही है, प्रदूषित पानी या वो खाना जो भी समस्या है उसमें उसकी जांच कर रहे हैं हम लोग, जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है बयान में, जो बयान सर SDPO 2 सचिवालय का आया उसमें उन्होंने कहा कि 7 तारीख को एक बच्ची एडमिट हुई, 8 को डेथ हुई और जो उपाधीक्षक है अशोक सिंह PMCS के उनके द्वारा कहा गया कि 13 बच्चियों को 10 तारीख को एडमिट किया गया, 13 बच्चियों। नहीं, पहले शुरू में तो हम लोगों ने इलाज वहीं कराया जो आपका वो जो हमारा घर है आसरा गृह है वहीं पर मेडिकल टीम भेज करके हम लोगों ने इलाज शुरू कराया था, ट्रिप वगैरह और बाकी चीज़ें वहीं पर हो रही थी। जो बच्ची सीरियस हुई उनको भेजा गया और बाद में एहतियातन के तौर पर सभी बच्चियों को वहाँ शिफ्ट किया गया PMCS में, जैसे हम लोगों के संज्ञान में बात आई। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जानकारी का हो सकता है कि कोई वो होगा कम हवा होगा लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उसमें। प्रारंभिक इलाज वहीं किया गया और आज भी मेडिकल टीम वहाँ पर है एम्बुलेंस के साथ, अन्य जो लोग हैं उनका ध्यान रख रही है और जो सीरियस लोग थे या इन्फेक्टेड लोग थे उनको फिर हम लोगों ने वहाँ एडमिट कराया एहतियातन PMCS में। हाँ बिल्कुल, जो जाँच रिपोर्ट आएगी जो लोग भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई होगी और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसको भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। देखिए जिलाधिकारी ने तो कह दिया कि भविष्य में इतनी बड़ी घटना ना हो इसको लेकर हम लोग प्लान बना रहे हैं, इस प्लान के अनुसार अब आगे काम किया जाएगा और किसी ना किसी हालत में भी जो इसके पीछे है उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं फूड पॉइजनिंग की बात तो सामने आ रही है लेकिन दूसरी तरफ कल जब PMCS के उपाधीक्षक अशोक कुमार झा से इस मामले पर बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा था कि फूड पॉइजनिंग का मामला है, अभी ऐसा देखकर नहीं कहा जा सकता। साथ ही उन्होंने इस मामले की जानकारी भी दी है, तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपाधीक्षक। इसमें 10 तारीख को आशा गृह शेल्टर होम से कुछ बच्चियां आई थी, टोटल 13 आई थी, जिन्हें ये उल्टी और पैखाना लूज मोशन की शिकायत थी। इसमें से 2 मोहिनी कुमारी और गीता कुमारी, ये दोनों तो इलाज के दरमियान इन दोनों की मृत्यु हो गई और बाकी 11 मरीज जो है वो स्टेबल हैं, सब ठीक हैं, जिसमें से 1 MICU में है अभी लेकिन उसकी भी हालत स्थिर। क्या वजह था सर? क्या ये तो अब जो हमारे चिकित्सक हैं वो अंदाज लगाए होंगे, बाकी जो जांच पड़ताल कराएंगे तो पूरा पता चलेगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे ये कहना मुश्किल है, क्या बात थी? खतरे से सभी बाहर हैं, बाकी जो अभी हैं सब खतरे, 1 MICU में जो है वो थोड़ा क्रिटिकल नहीं कहेंगे, वो भी स्थिर है हालत उनकी, हम लोग ICU से बाहर उनको ले आएंगे। बाकी 9 का नाम क्या 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 नाम है सर जो मरीज यहाँ 11 भर्ती है? आरती कुमारी, पुतुल कुमारी, रेणुका कुमारी, रश्मि कुमारी, अंकिता कुमारी, मनीषा कुमारी, आरती देवी, पायल कुमारी, मुन्नी कुमारी, सबीना खातून, उर्षी कुमारी। इसमें सबीना खातून जो ICU में भर्ती है
लेकिन हालत उनकी स्थिर है। तो देखिए फिलहाल तो इस मामले को संज्ञान में ले लिया गया है, डीएम और बाकी अधिकारियों की तरफ से भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि बार बार शेल्टर होम में ऐसी घटनाएं क्यों होती है, कभी लड़कियों के साथ छेड़खानी हो जाती है, कभी शेल्टर होम से लड़कियां फरार हो जाती हैं। तो अब इस तरह की फूड पॉइजनिंग का मामला भी सामने आया है और इतना बड़ा मामला है कि 3 बच्चियों ने अपने जान से हाथ धो दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि हर साल जब इस विभाग में, समाज कल्याण विभाग में करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं, उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही कहाँ तक जस्टिफाई है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं यह भी बताएं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहेगा कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।